नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अभी मैंने यामी गौतम की नई फिल्म एथरेज डे का ट्रेलर देखा। ट्रेलर बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही थ्रिलिंग है, सस्पेंस से भरा हुआ है। दोस्तों ये फिल्म जबरदस्त होने वाली है, मेरे को ऐसा लग रहा है। यामी गौतम का परफॉर्मेंस भी बहुत ही शानदार स्टैंडिंग लग रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म को रानी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस किया है। और दोस्तों इसमें यामी गौतम के अलावा अतुल कुलकर्णी तथा डिंपल कपाड़िया भी एक प्रमुख भूमिका में नजर आने वाली है। दोस्तों ट्रेलर के हिसाब से जो फिल्म की कहानी के बारे में कुछ पता चल रहा है वो ये है कि जो यामी गौतम है वो इसमें एक स्कूल टीचर के किरदार में है। प्ले स्कूल है, मॉन्टेसरी स्कूल है, और दोस्तों उनका नाम नैना है। और दोस्तों वो 16 बच्चों का किडनैप कर लेती है। और दोस्तों उसके बाद में वो पुलिस को फोन करके कहती है, जिनका रोल जो कॉप का रोल है वो इसमें अतुल कुलकर्णी तथा नया धूपिया कर रहे हैं, उनको फोन करके कहती है कि अगर आपको बच्चों को छुड़ाना है तो आप 5 करोड़ रुपए मुझे दीजिए। और दोस्तों अदरवाइज यामी गौतम कहती है कि अदरवाइज मैं एक एक बच्चे को मारना शुरू कर दूंगी, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। और दोस्तों इसके बाद में उसकी एक और डिमांड सामने आती है कि वो प्राइम मिनिस्टर से बात करना चाहती है। अगर प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात नहीं कराई गई तो वो बच्चों को मारना शुरू कर देगी। तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्लॉट है। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि इसमें यामी गौतम का किरदार बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है, और उनके जो एक्सप्रेशन है, उनका रोल है, वो जबरदस्त रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों नेहा धूपिया भी कॉप के रोल में जबरदस्त लग रही है। वहीं अतुल कुलकर्णी का रोल भी बहुत जबरदस्त है, कॉप के किरदार में वो बहुत ही कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों डिंपल कपाड़िया प्रधानमंत्री के रोल में है, और दोस्तों उनका थोड़ा थोड़ा लुक इंदिरा गांधी जैसा लग रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि डिंपल कपाड़िया बिल्कुल एक आयरन लेडी की तरह लग रही है, और बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब वो अपने काम को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों फिल्म के ये जो ट्रेलर है उसमें ये कहीं रिवील नहीं किया गया है कि यामी गौतम बच्चों का किडनैप आखिर क्यों करती है, वो सारी बातें रिवील इसमें ट्रेलर से नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग है, सस्पेंस से भरा हुआ है, थ्रिलिंग है। तो दोस्तों ये फिल्म काफी उत्सुकता जगाती है। और दोस्तों ये भी बता दूं कि आपको ये फिल्म 17 फरवरी को हॉटस्टार डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपने ट्रेलर देखा तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों आपको भी बता दूं कि यामी गौतम की आने वाली फिल्म 10वीं, जिसमें वो अभिषेक बच्चन के साथ है। तो दोस्तों अभिषेक बच्चन की को स्टार होने के कारण अभिषेक बच्चन ने भी इस ट्रेलर पे अपना रिएक्शन दिया है। और अभिषेक बच्चन ने यामी गौतम के लिए लिखा है कि ऑल द बेस्ट और लुकिंग एवसम। तो अभिषेक बच्चन ने भी काफी तारीफ किया कि आपका रोल बहुत ही जबरदस्त है इस फिल्म के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ट्रेलर कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।